तरीके से हमें पता चला है कि IISBM जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी ने एक जेल में रहते उम्र कैद की सजा जो काट रहे हैं ऐसे व्यक्ति का फर्जी डिग्री जो कि पैसा लेकर बनाया गया है, ऐसे पैसा लगा पैसा बनाकर फर्जी डिग्री बांटने का काम IISBM यूनिवर्सिटी कर रही है, जिसका अनुरोध करने आया है। मैं पूछना चाहता हूँ उन छात्राओं का क्या होगा जो गरीब लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं और अपने डिग्री पाने के लिए जो होड़ लगी रहती है। ये तमाम चुनिंदा कुछ ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय होते हैं जो बाहर से आते हैं और छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो साथीगण है जो छात्र उनको ठगने का काम करते हैं और उन्हें ठगते हुए उन लोग फर्जी मार्कशीट बनाते हैं, जिसका हम लोग आज विरोध करने आए हैं। और मैं शासन और प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे कुलपति, ऐसे फर्जी कुलपति के ऊपर 400 का मामला दर्ज होना चाहिए जो अपना पैसा लेकर यहाँ पे जो फर्जी डिग्री बना रहे हैं। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रतीकात्मक रूप से ये हम लोग विरोध कर रहे हैं, जहाँ पे एक तराजू है जिसमें एक तरफ पैसे का ढेर है और एक तरफ डिग्रियाँ हैं, लेकिन पैसे का जो ढेर है वो ज़्यादा दब जा रहा है। कुल मिलाकर यह है कि यहाँ पे जो फर्जी डिग्री बनाने वाले लोग हैं उस विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द हो और इस कुलपति के ऊपर और प्रशासन के ऊपर 400 BC का मामला दर्ज हो। काली पट्टी क्यों बांधे? हम लोग जिस तरीके से अंधेर नगरी चौपट राजा कहा जाता है, उसी तरीके से हमारे प्रदेश में भी अंधेरे नगरी और भूपेश राजा का राज चल रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी के देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले वही जो कुलपति थे, विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं। कुछ दिन पहले जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ में जो कुलपति हैं फोटो खिंचाते नजर आते हैं, लेकिन कार्यवाही की बात होती है तो आज 5 दिन इस मामले को हो गया, एक कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए अंधेरे नगरी चौपट राजा का हम नारा देते हुए आँख में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से कोरोना का ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन करने आए हैं। अभी तक कितने लोगों ने फर्जी डिग्री बनाई, कितने आप लोगों? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पता नहीं, जिस तरीके से कहा जाता है कि जब चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो वो चोर कहलाता है, उसी तरीके से आज ये चोरी करते पकड़ा गया है। अन्यथा मुझे लगता है हजारों मार्कशीटें इसने बनाई होगी और लाखों और करोड़ों रुपए कमाए होंगे, क्योंकि इसका कुलपति जो है वो भी महाराष्ट्र का है, बॉम्बे का व्यक्ति यहाँ बैठ के छत्तीसगढ़ियाओं को डिग्री बनाकर ठगने का काम कर रहा है, जिसका एक भी छत्तीसगढ़िया भाई समर्थन नहीं करता बल्कि इसका विरोध करता है। अगर समय आएगा इसके ऊपर कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है तो विश्वविद्यालय का भी घेराव करेंगे, महामहिम राज्यपाल जी के पास भी जाएंगे और 48 घंटे के बाद अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सिविल लाइन थाने में जाकर इसके ऊपर FIR दर्ज, 400 BC का मामला दर्ज कराया जाएगा। अरे कुलपति हाय 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 हाय।